दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बड़ी खबर। 2.43 एकड़ जमीन जो दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए थी, दरभंगा एयरपोर्ट से एनओसी मिल गई है। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। पूरी खबर यह है कि सरकार को इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिल गया, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। अब टर्मिनल भवन बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, जिससे पार्किंग की व्यवस्था भी होगी और यात्रियों के लिए एक शील्ड भी बनाई जाएगी ठहराव के लिए। अब दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा आसान, क्योंकि एयरफोर्स ने अब एनओसी दे दिया है। इसकी पूरी जानकारी मंत्री संजय झा जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, बताते हैं। हमें खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिल गई है। राज्य सरकार अब जल्द आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी, ताकि यहाँ टर्मिनल भवन और ज़रूरी सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। आपको फिर से बताते चले, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरफोर्स से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2.43 एकड़ ज़मीन की मांग की थी, जो कि अब उनको मिल गया है, उन्हें एनओसी लेटर मिल गया। इस बात की पूरी जानकारी मंत्री संजय झा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया। आपको बताते चले, जब से दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ, स्पाइस जेट की प्लेन सबसे पहले महानगरों के लिए थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मांग के अनुसार इसे कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद तमाम जगहों के लिए चालू की गई। वहीं इंडिगो की फ्लाइट भी 5 जुलाई से चालू होगी, जिसके वजह से हो सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट के बाहर जिस तरह से यात्रियों को असुविधा होती है ठहराव के लिए, बरसात के समय पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस ज़मीन के मिलने के बाद पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है यात्रियों। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने हमें बताया कि मेन गेट से अंदर तक यात्री के जहाँ इनके तक वहाँ तक गाड़ियों के जाने के लिए और ठहराव के लिए एक शील्ड बनाने की बात चल रही है। अब ये समय पे बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट जैसे चालू हो जाएगी, यात्रियों का ज़्यादातर यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा और हो सकता है सुविधा। अब ये देखना है कि जल्द से जल्द यात्रियों की सुविधा के लिए इस ज़मीन का कितना इस्तेमाल होता है।